वेलकम टू आवर चैनल फैंटेसी फॉर्च्यून। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कनाडा वर्सेस आयरलैंड वर्ल्ड कप मैच जो खेला जाएगा न्यूयॉर्क में, क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11, क्या रहेगी स्मॉल लीग की टीम, ग्रैंड लीग की क्या टीम्स रहने वाली है, सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। तो बात करते हैं वेन्यू की। सो वेन्यू होने वाला है न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क का जो ग्राउंड है ना, ये इन्होंने बहुत जल्दबाजी में बना दिया है। कुछ 3 महीने में इन्होंने पूरा ग्राउंड ही तैयार कर दिया है और वहां पर ना बाहर से पिच मंगवाई गई है जो कि ड्रॉप इन पिच है। तो अब वो जो ड्रॉप इन पिच जब बाहर से लगती है तो उसे कम से कम 1 साल चाहिए होता है सेटल होने में, लेकिन अभी क्योंकि इन्होंने जल्दबाजी में 3-4 महीने पूरा स्टेडियम ही तैयार कर दिया है तो वहां सेटल ही नहीं हुई है। और ये विकेट बहुत ही बेकार है खेलने के लिए। अगर इंडिया में पिच होती ना तो अभी तक तो पूरी इंटरनेशनल मीडिया हमारे पीछे पड़ जाती कि यार ऐसा गंदा विकेट है, ये है, ये तो खेलने के लिए सेफ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर है तो चल रहा है भाई अब, लेकिन विकेट काफ़ी बेकार है और रन्स यहाँ पर नहीं बन रहे हैं। और ऐसा ही एक्सपेक्ट करिएगा इस मैच में भी कि फास्ट बॉलर्स अच्छा कर सकते हैं यहाँ पर और उतने रन्स शायद आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि 2 ही जो मैच हुए हैं दोनों बार जो है चेजिंग टीम ने मैच जीता है और जो एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर रहा है वो मात्र 96 रन रहा है। तो ये बताता है कि क्लियरली कि विकेट्स काफ़ी गिरते हैं। यहाँ पर आयरलैंड और इंडिया का मैच हुआ था उसमें भी 96 और यहाँ पर श्रीलंका का, वो तो बड़ा मैच था यार, उसमें 77 ही रन बने थे श्रीलंका से। तो 2 मैच में फास्ट बॉलर्स ने जो है 18 विकेट निकाले हैं और 6 विकेट निकाले हैं स्पिनर्स ने। तो फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा मदद यहाँ पर मिलती है इस वेन्यू पर। हेड टू हेड की बात करें तो दोनों टीम्स ने 4 मुकाबले खेले हैं, 2 मैच जीते हैं यहाँ पर आयरलैंड ने और 2 ही मैच जीते हुए हैं यहाँ पर कनाडा ने। अगर आप लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है फैंटेसी फॉर्च्यून के नाम से है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ के साथ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, उसी के थ्रू जुड़िएगा। सर्च करके मत जुड़ना क्योंकि फेक चैनल्स काफ़ी सारे हमारे नाम के। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो बात करते हैं दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 की। सो कनाडा की तरफ से ओपन करने वाले हैं यहाँ पर जॉनसन धालीवाल के साथ, परगत सिंह आ जाते हैं, कीर्तन आपको खेलते हुए नजर आ जाते हैं, फिर यहाँ पर मोवा है, दिलप्रीत सिंह आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे, यहाँ पर नजर आ जाएंगे साद बिन जफर, निखिल दत्ता है, कलीम सना, हेलीगर और जॉर्डन आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं इस मुकाबले में। वहीं अगर हम बात करें आयरलैंड की, सो आयरलैंड की तरफ से बेलबर्नी ओपन करेंगे पॉल स्टर्लिंग के साथ, टकर आ जाते हैं, टेक्टर है, कैम्फर है, जॉर्ज डॉक्टरल आपको खेलते हुए नजर आएंगे, डिलानी, मार्कडेयर आएंगे, मैकार्थी है, बेन वाइट है, जॉश लिटिल है। मेरे हिसाब से अगर क्रेग यंग को यहाँ पर मौका दे दिया जाए तो वो शायद बेटर होगा इन प्लेस ऑफ बेन वाइट, वो ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर टीम के लिए हो सकता है। आ रही है एक विजन 11 पे बेस्ट ग्रैंड लीग के कॉन्टेस्ट, लीडर बोर्ड भी चल रहा है जहां पर 1 करोड़ का लीडर बोर्ड है और फर्स्ट प्राइस जो है 20 लाख है, सेकंड प्राइस 10 लाख है, इवन टॉप 100 में भी आ जाते हो तो 40,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। साथ के साथ जो है बेस्ट ग्रैंड लीग कॉन्टेस्ट आ रहे हैं, इंडिया के हर मैच में आपको 1 करोड़ रुपए फर्स्ट प्राइज दिखने वाला है और ये 7-4 फैंटेसी में सबसे ज्यादा प्राइस है किसी भी फैंटेसी ऐप पे। सो अगर आपके यहाँ विजन 11 ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉर्च्यून रेफर कोड है FORTUNE, इसके थ्रू डाउनलोड करने ना आपको 100 रुपए का रियल कैश भी मिल जाएगा। ये रियल कैश है, बोनस नहीं है, तो इससे आप स्मॉल लीग खेलो चाहे ग्रैंड लीग खेलो और आप फिर इंस्टेंट विड्रॉ भी कर सकते हैं। सो अगर आपके पास विजन 11 ऐप नहीं है सो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। तो बात करते हैं दोनों टीम्स की। सो यहां पर कनाडा की तरफ से बात करें सो जॉनसन ओपन करने वाले हैं यहां पर धालीवाल के साथ। जॉनसन अगर देखें प्लेयर अच्छे हैं और यहाँ पर रीसेंट फॉर्म देखें 23-10-33-1-74-16 ठीक ठाक फॉर्म है, सिलेक्शन कम होगा लेकिन न्यूयॉर्क का वेन्यू है, यहाँ पर रन्स उतने नहीं बन रहे हैं। सो बैट्समैन को हम कम ट्राई करेंगे, फोकस करेंगे ऑलराउंडर्स या बॉलर्स पे, बट अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ये प्लेयर अच्छा है, सिलेक्शन इस मैच में कम है इनका तो आप रिस्क ले सकते हैं। धालीवाल एक सेफ पिक आपके लिए बन सकती है क्योंकि 61 रन लास्ट मैच में बनाए हैं, इवन हेड टू हेड में भी 1 मैच में 69 रन है, ठीक है। तो आप इनको अगर आप चाहें कनाडा की तरफ से तो आप ट्राई इनको कर सकते हैं अपनी स्मॉल लीग टीम में। वहीं अगर हम बात करें वन डाउन आने वाले हैं परगत सिंह, ज़्यादा कुछ खास इन्होंने रीसेंट टाइम में किया नहीं है, 5 रन 13 रन 1 विकेट 16 27 19 तो रिस्की रहेंगे, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में ट्राई करना है। सो कीर्तनों एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, लास्ट मैच में 51 की पारी खेली है, उससे पहले 52 की, ये एक अच्छा प्लेयर है और अच्छी फॉर्म में चल रहा है तो एक आपके लिए एक अच्छी पिक बन जाती है स्मॉल लीग में, तो आप इनको ज़रूर ट्राई आप अपनी टीम में कर सकते हैं।
फिर बात करते हैं दिलप्रीत की। दिलप्रीत की रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, 11-3, 33-52, 4-3, बट मैं इतने स्मॉल लीग में उतना रिकमेंड नहीं करूंगा, ग्रैंड लीग में चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। फिर आएंगे मोवा। मोवा ने लास्ट मैच में एक अच्छी इनिंग खेली थी, 32 रन बनाए थे, और प्लेयर ठीक है ये, लेकिन सामने मुझे लगता है कि दूसरी तरफ के विकेट कीपर जो है टकर, वो एक ज्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं। तो स्मॉल लीग में अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो टकर बेटर ऑप्शन है, बट अगर आप चाहें टकर के साथ मोवा को भी कंसिडर करना तो आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आएंगे दत्ता आ जाएंगे, स्पिनर हैं और स्पिनर्स के लिए उतनी मदद नहीं है इस विकेट पे, बट 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट अपने दिन पे अच्छा कर सकते हैं। हेड टू हेड में एक मैच में एक विकेट है, तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में फास्ट बॉलर ज़्यादा बेटर ऑप्शन बन सकते हैं। फिर आएंगे यहाँ पर सना। सना की फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है, मस्ट हैव पिक रहने वाले हैं। 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, तो भाई जिस तरीके की फॉर्म चल रही है आपके लिए मस्ट हैव पिक बन जाते हैं। इवन ग्रैंड लीग में आप इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं साद जफर की। सिलेक्शन बहुत कम, लेकिन ये कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस है ये खिलाड़ी। एक मैच में 2 विकेट है हेड टू हेड में, लास्ट मैच में क्योंकि फ्लॉप रहे तो सिलेक्शन बहुत कम है, उससे पहले 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, और ये रन्स भी आपको बनाकर देते हैं। एक अच्छा ऑलराउंडर है, तो ये आपके लिए आपकी टीम में होने चाहिए। इवन दो इनका सिलेक्शन कोई 10-12% ही है, बट आपकी टीम में ये खिलाड़ी होना चाहिए, और अगर आप चाहें तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली ग्रैंड लीग में। फिर यहाँ पर आएंगे हेलिंगर, अच्छा बॉलर है, रीसेंट फॉर्म अच्छी है, 1 विकेट, 4 विकेट, 0-2, 0-2, हेड टू हेड में एक मैच में 0 विकेट है, लेकिन ये लोअर ऑर्डर में रन भी कर लेता है और यहाँ का विकेट इन्हें सूट भी करेगा, तो एक आपके लिए अच्छी चॉइस बन जाती है स्मॉल लीग के लिए। फिर यहाँ पर आएंगे गॉर्डन। गॉर्डन की बात करें, 0 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 0-1, 0, दो मैच में एक विकेट है, अच्छा बॉलर है, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए ट्राई कर सकते हैं। अगर पहले किसी को कंसीडर करना है बॉलिंग सेक्शन से तो सना को करना, फिर हेलिगर को, और अगर आप इनको भी आप चाहें तो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी टीम में। स्टार्टिंग ओवर गॉर्डन और सना आ जाएंगे, डेथ ओवर में हेलिगर और यहाँ पर गॉर्डन आपको करते हुए नजर आ सकते हैं बॉलिंग। यहाँ पर अगर देखें सब्स्टिट्यूट में, ये कुछ खिलाड़ी हैं जो सब्स्टिट्यूट में भी आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आयरलैंड की, बट उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या आप इन मैचेस में भी इंटरेस्टेड हैं या फिर सुपर एट का वेट कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आशा करता हूँ आप सपोर्ट दिखाओगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। बात करते हैं आयरलैंड की, बेलबर्नी ओपन करेंगे पॉल स्टर्लिंग के साथ। बेलबर्नी प्लेयर अच्छा है, रीसेंट फॉर्म पिछले 3 मैच में फ्लॉप है, 5-16-5, 1 में 56 आए, 1 में 35 आए, बाकी फ्लॉप चल रहे हैं। 1 मैच में 5 है और हेड टू हेड में 1 मैच में 0 है, तो उतने अच्छे नंबर इनके नहीं है, तो आपके लिए एक फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, बट तो ये जब चलते हैं अच्छी इनिंग खेल जाते हैं तो ट्राई कर सकते हैं आप इन्हें। फिर आ जाएंगे पॉल स्टर्लिंग। पॉल स्टर्लिंग मैंने आपको बताया था इंडिया के मैच में कि ये खिलाड़ी फ्लॉप होने वाला है और वैसा ही हुआ, लेकिन यहाँ पर अच्छे नंबर है, 4 मैच में 122 रन है इनके, और रीसेंट फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, बट हेड टू हेड में अच्छा करते हैं, तो आप पॉल स्टर्लिंग को ट्राई कर सकते हो। इवन दो यहाँ पर न्यूयॉर्क का विकेट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कैनेडा की टीम भी सामने बहुत ज़्यादा तगड़ी नहीं है जैसे इंडिया है, तो यहाँ पर पॉल स्टर्लिंग थोड़ी देर भी खेल गए तो रन्स आपको थोड़े बनाकर दे सकते हैं। टकर आ जाएंगे। टकर की फॉर्म 10, पिछले 3 मैच फ्लॉप है, बट उससे पहले 3 मैच चले थे, वेन्यू पे 1 मैच में 10 रन है, मेरे हिसाब से मोवा से बेटर ऑप्शन आपके लिए बन जाएंगे, तो मैं इनको ही रिकमेंड करूंगा स्मॉल लीग में। फिर यहाँ पर आएंगे हैरी टेक्टर, अच्छा खिलाड़ी है बट रीसेंट फॉर्म उतनी अच्छी नहीं रही है, पिछले 3 मैच में लगातार या 3 के भी 5 मैच में लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, और लेकिन बट ये बैटिंग फर्स्ट करते हुए फिर भी अच्छा खिलाड़ी है, कम बैक कर सकता है, बैटिंग फर्स्ट करते हुए ट्राई किए जा सकते हैं अगर आप कुछ हटके करना चाहते हो, अदरवाइज ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आएंगे कर्टिस कैम्फर्ड, लास्ट मैच में 12 रन बनाए बट अच्छे लग रहे थे, कॉन्फिडेंट लग रहे थे, और ये बॉलिंग भी करके देते हैं, और जैसा मैंने बताया कि ऑलराउंडर को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, तो कर्टिस कैम्फर एक अच्छा विकल्प आपके लिए इस मैच में बन सकता है, ग्रैंड लीग में आप इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। जॉर्ज डॉक्ट्रेल आएंगे, रीसेंट टाइम में बॉलिंग करते नहीं है, बैटिंग पर ही ज़्यादा फोकस रहता है, तो मैं ग्रैंड लीग में रिकमेंड करूंगा, स्मॉल लीग में थोड़े रिस्की रहेंगे ये। गैरेट डिलानी आएंगे, अच्छा प्लेयर है, लास्ट मैच में 26 रन बनाए हैं, इसी वजह से सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है, लेकिन बॉलिंग के चांसेस थोड़े कम हैं और यहाँ पर बैटिंग काफ़ी नीचे करते हैं, तो मेरे हिसाब से इवन दो 80% इनका सिलेक्शन है, बट मेरे हिसाब से रिस्की होने वाले हैं इस मैच में। फिर आएंगे मार्क अडेयर, इस मैच की बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस रहेगी, 1 मैच में 12 रन है हेड टू हेड में, और यहाँ पर 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 49 रन, 3 विकेट, हर मैच में विकेट आ रहा है, तो इस मैच की बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस बन जाते हैं मार्क अडेयर।
फिर यहाँ पर आएंगे मैकार्थी। मैकार्थी एक डिफरेंशियल पिक साबित हो सकते हैं, लोअर ऑर्डर में रन भी बना लेते हैं, इंडिया के अगेंस्ट विकेट नहीं मिला लेकिन कनाडा के अगेंस्ट डेफिनेटली विकेट निकाल सकते हैं। रीसेंट फॉर्म 0-2, 0-0, 0-0, तो रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छी नहीं है, बट अगर पहले बॉलिंग आती है तो मैकार्थी आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन सकते हैं, तो ट्राई आप कर सकते हैं। बेन वाइट आएंगे, स्पिनर बॉलर है, एक आधा विकेट निकाल सकते हैं बट स्मॉल लीग में रिस्की रहेंगे, आप फास्ट बॉलर को ट्राई करोगे तो बेटर ऑप्शन बन जाता है। जॉश रेडल आपकी टीम में होने चाहिए, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला बट उससे पहले 2-4, 1-2, 3 अच्छी फॉर्म में है और यहाँ पर कनाडा के अगेंस्ट फायरी हो सकते हैं, पावर प्ले में विकेट निकाल के दे सकते हैं। सो कैप्टन वाइस कैप्टन आप जॉश रेडल को इस मैच में ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको क्रेग यंग खेलते हुए नजर आ जाए तो मस्ट हैव रहने वाले हैं, रीसेंट फॉर्म देखो 1-2, 3-1, तो रीसेंट फॉर्म अच्छी चल रही है, क्रेग यंग खेलेगा विकेट निकालेगा, इनको ट्राई कर लेना अगर आपको ये खेलता हुआ नजर आ जाए। वहीं अगर हम बात करें स्टार्टिंग ओवर की तो स्टार्टिंग ओवर लिटिल और अडेयर करने वाले हैं, डेथ में यहाँ पर मैकार्थी, अडेयर और लिटिल आपको करते हुए नजर आ जाएंगे। बात करते हैं स्मॉल लीग कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो स्मॉल लीग में मेरे हिसाब से बेस्ट चॉइस अडेयर ही रहेंगे, जॉश लिटिल, यहाँ पर जफर और पॉल स्टर्लिंग को भी आप चाहें तो कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। ग्रैंड लीग की बात करें, मैकार्थी, हेलिगर, टकर और कैम्फर ये कुछ खिलाड़ी हैं जिन्हें आप ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। अब बात करेंगे विनर प्रेडिक्शन की, तो दोनों टीम्स वैसे दो दो मैच जीती है बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये वाला मैच जो है आयरलैंड विन कर लेगी, सो मेरी प्रेडिक्शन रहने वाली है आयरलैंड के फेवर में। आपकी क्या प्रेडिक्शन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब क्रिएट करते हैं अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग। टीमिंग सेक्शन में दो ऑप्शन आए थे, टकर है, मोवा है, मैंने यहाँ पर टकर को अपनी टीम में रखा है। बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में, सो बैटिंग सेक्शन में काफी सारे ऑप्शन आए होते हैं, बेलबर्नी को ट्राई करते हैं, मैंने कीर्तन को ट्राई किया है, धालीवाल अच्छे ऑप्शन है, ट्रैक्टर है, इनको ट्राई कर सकते हो, मैंने अभी के लिए यहाँ पर स्टर्लिंग को अपनी टीम में रखा हुआ है। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, सो यहाँ पर काफी ऑप्शंस आ जाएंगे, मैंने यहाँ पर मार्क अडेयर को लिया है, डेलानी का सिलेक्शन काफी ज्यादा है तो उन्हें भी ट्राई आप चाहें तो कर सकते हैं, हेलिगर को लिया है, कैम्फर को लिया है, यहाँ पर जफर का जो सिलेक्शन है काफी कम है और ये इस मैच की ट्रम्प कार्ड पिक साबित हो सकती है, उनको मैंने अपनी टीम में रखा है। बॉलिंग सेक्शन में जे लिटिल को रखा है, यहाँ पर सना को रखा है, मैकार्थी को रखा है और यहाँ पर गॉर्डन को अपनी टीम में रखा है, तो अभी के लिए ये टीम हमारी बन जाती है, इसमें एक से दो चेंज हो सकते हैं, तो फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन मैंने अडेयर को किया, वाइस कैप्टन मैंने जोशुआ लिटिल को किया हुआ है। बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग टीम्स की, सो टीम वन की अगर हम बात करें, टीम वन हमारी ये बन जाती है, इसमें हमने अडेयर को कैप्टन किया है, जफर को हमने वाइस कैप्टन किया हुआ है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ चलें तो स्टर्लिंग को हमने कैप्टन किया है, वाइस कैप्टन हमने जॉशुआ लिटिल को किया हुआ है। एक और जो कॉम्बिनेशन आपके लिए क्रिएट किया है उसमें हमने जॉश लिटिल को कैप्टन किया है और जफर को हमने वाइस कैप्टन किया हुआ है। तो आप इसी तरीके से मल्टीपल टीम्स क्रिएट कर सकते हैं और किसी एक प्लेयर को मल्टीपल टीम्स में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई है, सो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से बेस्ट चॉइस कैप्टन वाइस कैप्टन की कौन होने वाली है। साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट गाइस।